आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों हमारे नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए आप चैनल पर विश्वास करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे नुस्खे अपना सकते हैं। दोस्तों कुछ मसाले पहले से बेहतर हुए हैं, ये तो हम सब जानते हैं। पिछले सालों में हल्दी भी मसालों में बेहतर हुई है, जिसे भारत में भगवा रंग भी कहते हैं। हल्दी भारत में एक ऐसा मसाला है जो ज्यादातर खाने की चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। हर्बल मेडिसिन बायो मॉलिक्यूलर एंड क्लिनिकल एस्पेक्ट्स की एक पुस्तक में बताया गया है कि हल्दी खाने के बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जिससे कई बीमारियां दूर होती हैं, जैसे कि जोड़ों का दर्द, पाचन क्रिया की समस्या को दूर करना। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको घरेलू तौर पर उपचार किया जा सकता है। इसके साथ ही हल्दी और काली मिर्च दोनों ही हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर शरीर को मजबूत बनाती हैं और हमें बीमारियां जल्दी जल्दी नहीं घेरती हैं। दोस्तों हल्दी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन आप इसके साथ अगर काली मिर्च को मिलाते हैं तो इसके फायदे और भी ज्यादा हो जाते हैं। काली मिर्च में मौजूद पिपरिन आपके लीवर को करक्यूमिन को हटाने से रोकता है, जिससे कि आपके शरीर को पूरा लाभ मिल सके। ये पेट में करक्यूमिन को रखने का समय बढ़ाकर मेटाबॉलिज्म रेट को स्लो करता है। इसके अलावा ये एंजाइमों को बाधित करता है जो कि इसे जल्दी मेटाबोलाइज कर सकते हैं। बात करते हैं इनके मिश्रण से आखिर क्या फायदा मिलता है, चलिए विस्तार से देखते हैं। गर्म पानी में हल्दी, काली मिर्च और अदरक मिलाकर रोज सुबह पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे कि आपका मोटापा कम होने में मदद मिलती है। सांस और दांत की बीमारी में काली मिर्च और हल्दी का सेवन लाभकारी माना जाता है। ये दोनों मसाले बैक्टीरिया रोधी हैं। इसके अलावा इनमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं। इनसे मुंह की दुर्गंध और अन्य विकार के साथ ही सर्दी जुकाम की दिक्कत भी खत्म हो जाती है। हल्दी और काली मिर्च को मिलाकर खाने से शरीर में मौजूद कैंसर सेल्स से भी लड़ने में कई हद तक मदद मिलती है। ये शरीर में मौजूद कैंसर सेल्स को कम करता है। इसका सबसे ज्यादा असर ल्यूकेमिया, गैस्ट्रिक और कोलन और ब्रेस्ट कैंसर सेल्स पर पड़ता है। अगर आपके पाचन में परेशानी हो रही है तो आप हल्दी और काली मिर्च के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। हल्दी और काली मिर्च एक साथ आंतों में मौजूद पाचन क्रिया बढ़ाने वाले एंजाइमों को बढ़ाती है। इसके साथ ही आंतों की सूजन कम होने में भी मदद मिलती है। हल्दी और काली मिर्च के मिश्रण का लगातार सेवन करने से चेहरे पर दिखने वाली झुर्रियां और धब्बे भी दूर हो जाते हैं। हल्दी की तरह ही काली मिर्च में भी एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं, जो कि शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। रिसर्च में पाया गया कि काली मिर्च बाकी मिर्चों से ज्यादा बेहतर और फायदेमंद होती है। ये शरीर में होने वाले जोड़ों के दर्द, अस्थमा जैसी चीजों के लिए फायदेमंद होती है। हल्दी और काली मिर्च का सेवन आर्थराइटिस ठीक करने में मदद करती है। भारत में प्रचलित आयुर्वेद में कई बीमारियों को ठीक करने के लिए हल्दी और काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। ये जोड़ों में सूजन कम करता है, जिससे आर्थराइटिस ठीक होने में मदद मिलती है। हल्दी और काली मिर्च दोनों शरीर के लिए काफी प्रभावशाली होते हैं। दोनों में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं। दोनों मिर्च में पिपरिन बहुत ही अच्छा और प्रभावी तत्व होता है। इसके अलावा आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने रोजाना बनाने वाले खाने में भी दोनों का इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।